वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी जायका। आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी मटन हलीम। हाफ के जी मटन, दलिया एक कटोरी, ओट्स 2 टेबलस्पून, दाल 2 टीस्पून, तुअर दाल 2 टीस्पून, मसूर दाल 2 टीस्पून, माश की दाल उड़द दाल 2 टीस्पून, चना दाल 2 टीस्पून, 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, लेमन जूस 4 टीस्पून, प्योर घी 2 टेबलस्पून, कबाब चीनी थोड़ी सी, नमक काजू 50 ग्राम, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, हरा धनिया। तेल गरम हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब हम इसमें डालेंगे दही, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स दोनों डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, अब हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे, पानी सूखना चाहिए। पानी सूख गया है, अब हम इसे अच्छे से भून के ठंडा करके मैश कर लेंगे। अब हम ऑयल गरम करेंगे, ऑयल लेंगे हम 1 कटोरी, अब हम ऑनियन फ्राई करेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम काजू फ्राई करेंगे। काजू ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे।
अब हम पैन में रोस्ट करेंगे मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल। रोस्टेड दालों में हम डालेंगे दलिया, ओट्स, कबाब चीनी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे एक जग पानी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और थोड़ी मिर्च। अब हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। पंद्रह मिनट के लिए रख देंगे और बीच बीच में स्टर करेंगे। ये रेडी हो गया है, ये देखिए अच्छे से गल भी गया। मटन ये जो मैंने मैश किया है, मैश किए हुए मटन को अभी हम इसमें डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लेमन जूस, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें प्याज डालेंगे जो तल के रखे थे, और जिसमें प्याज तले थे वो तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्योर घी। अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी। और थोड़े से काजू। अब हम इसे धीमी आंच पे 10 मिनट तक रखेंगे।
अभी हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं, अभी हम गैस बंद कर देंगे। हमारी हलीम रेडी हो गई, अब हम इसे गार्निश करेंगे तली हुई प्याज से, थोड़े काजू, पुदीना और हरा धनिया, और अब हम डालेंगे प्योर घी। हमारी हलीम तैयार हो गई।